हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साइड डिश की रेसिपी। जी हाँ, अगर आप इसे बनाएंगे तो सब्जी खाना भूल जाएंगे। तो इसे बनाकर आप पूड़ी या चपाती से ज़रूर इंजॉय करें। तो चलिए देर ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम इस तरीके की मोटी मिर्ची ले लेंगे, ये तीखी कम होती हैं, और इसे धोकर अच्छी तरीके से हमने पहले सुखा लिया है। और अब हम इसे मोटे मोटा ही गोल गोल कट कर लेंगे। तो इस तरीके की मोटी मिर्ची का ही इस्तेमाल करें आप इस रेसिपी को बनाने के लिए, क्योंकि ये तीखी कम होती हैं और इनसे जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं उससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो हमने अपनी सारी मिर्चियों को इस तरीके से गोल गोल कट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने सारी मिर्चियां कट करके रख ली हैं एक साइड। अगर आप इसे और भी तीखा कम करना चाहते हैं तो इस तरीके की एक छन्नी ले लें, उसमें मिर्ची को डालकर इस तरीके से छान लें, जिससे कि इसमें जो बीज होंगे इस तरीके के वो निकल जाएंगे और जो मिर्चियों का तीखापन है वो और भी कम हो जाएगा। तो लीजिए, हमने मिर्चियों के जो एक्स्ट्रा बीजेस हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं निकाल लिए हैं। कुछ कुछ बीजे हमने रहने दिए हैं जिससे कि ये थोड़ी तीखी ही अच्छी लगती है। अब हम कढ़ाई रख लेंगे गैस के ऊपर, उसमें एक बड़ा चम्मच के करीब सरसों तेल ऐड कर लिया है। उसके बाद गर्म हो जाने के बाद जीरा और हींग ऐड कर लेंगे। इसके बाद जब जीरा अच्छी तरीके से तड़क जाएगा तो हमारी काटी हुई जो मिर्ची हैं उसे इसमें ऐड कर लेंगे। और अब इसे हम एक मिनट तक इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भुनेंगे, जिससे कि हमारी जो मिर्चियां हैं वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। जी हाँ, इसमें हमने एक चम्मच के करीब नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमने मिला लिया है अच्छी तरीके से। अब इसे हम कर देंगे कवर। तो इसे हमने लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो मिर्ची है वो हल्की सी सॉफ्ट पड़ गई है पहले से। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले, जैसे कि गरम मसाला पाउडर ऐड किया है हमने इसमें। अब हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर ऐड किया है और अमचूर पाउडर। अगर आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो इसे हमने 1 मिनट के लिए और कवर कर दिया था लो फ्लेम पर, जिससे कि हमारे मसाले अच्छी तरीके से भुन गए। अब इसमें हमने मैगी मसाला पाउडर तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब हमने ऐड कर दिया है, इससे इसका टेस्ट जो है बढ़ जाता है। अब इसमें हमने 2 चम्मच घर की ताजी मलाई ऐड करनी है। जी हाँ, आप चाहें तो इसकी जगह मावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और ये जो हमने इसमें मलाई मिलाई है इसे हम तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरीके से चला लेंगे, जिससे कि ये फटेगी नहीं और इससे जो इसका टेस्ट है बिल्कुल मावे की तरह ही आता है। तो लीजिए, ये जो हमारी मिर्च है ये बिल्कुल अब लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से इसे हमने 1 मिनट तक और मिला लिया था। तो ये हमारी महाराष्ट्रियन स्टाइल टिपोरे मिर्ची की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसका जो हम फ्लेम है ऑफ़ कर देते हैं और इसे अब निकाल लेते हैं एक सर्विंग बाउल में। तो आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। आप यकीन मानिए, एक बार इस तरीके से आपने इस मिर्ची को बना लिया तो आप रोज़ इसे बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये लगती ही इतनी टेस्टी है खाने पर। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और इसे ज़रूर बनाकर खाएं। पूरी, पराठे, इवन रोटी के साथ भी ये उतनी ही टेस्टी लगती है। तो अगर आप थाली में सब्जी परोसते हैं तो एक साइड डिश की तरह इसे भी एक बार ज़रूर बनाकर शामिल करें और अपने मेहमानों को ज़रूर खिलाएं। वह ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि इसे आपने कैसे बनाया, क्योंकि ये इतनी टेस्टी लगती है कि एक बार तो बनाना इसे बनता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें आप, और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जब आपने इसे बनाया तो ये आपको कैसी लगी। और मेरे वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच।